फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं वाइट पी वाले चाट बनाने। सबसे पहले मैंने बॉयल पोटैटो लिया है। यहाँ खड़ा मसाला है जिसमें जीरा, सौंफ, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची और बे लीफ है। यहाँ ग्रीन चिली है जिसको मैंने बीच से काट लिया है। यहाँ गार्लिक है, ये टोमेटो एंड ऑनियन, ये पी जिसमें मैंने हल्दी डाल दिया है और इसको बॉयल कर दिया है। ये मसाले जिसमें धनिया पाउडर, हींग, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, टर्मरिक, मीट मसाला, साल्ट एंड ब्लैक साल्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कुकर को गर्म करेंगे। ये चाट हम कुकर में बनाएंगे। गर्म होने तक वेट करेंगे। कुकर लगभग गर्म हो गया है। हम इसमें मस्टर्ड ऐड डालेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर मस्टर्ड ऑयल। इसमें खड़े मसाले डाल देंगे। ब्राउन करेंगे फ्रेंड्स। इसको तब तक पकाना जब तक अच्छे से स्मेल ना आने लगे। खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें गार्लिक और चिली ऐड कर देंगे। सॉटे कर लेंगे। ऑनियन ऐड कर देंगे। इसको फ्राई करेंगे, ऑनियन को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बीच बीच में चलाते रहना है और अनियन को ब्राउन होने तक फ्राई करना है। बीच बीच में से चलाते रहते हैं, अदरवाइज अनियन जल जाएगी। आप चाहो तो इसे चावल के साथ खा सकते हो, अदरवाइज चाट बना के भी खा सकते हो। अनियन लगभग हो चुके हैं, बट इसको थोड़ा और फ्राई कर लेते हैं। इसमें टोमेटो ऐड कर देंगे। हम सूखे मसालों को एक साथ एक कटोरी में ले लेंगे और इसको पानी के साथ मिक्स कर लेंगे।
साल्ट भी इसमें ऐड कर लूँगी। मसालों को ऐड कर देंगे। ढक के पकाएंगे। मसालों को 2 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक इससे ऑयल ना निकल जाए। आप चाहो तो मसाले में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो जिससे वो अच्छी तरह पक जाएगा। फ्रेंड्स एक बार मसालों को चेक करेंगे। मसाला लगभग पक चुका है। थोड़ा सा इसको मैश कर देंगे। ये मैंने बॉईल किए हुए पीस ले रखे थे जिसमें मैंने हल्दी डाल के उसको बॉईल किया था और नमक, इसलिए आप नमक स्वाद अनुसार ही लें। तो हम इसको इसमें डाल देंगे। ये आलू मैश करके इसको भी डाल देंगे। थोड़ी देर पका लेंगे। इसको फिर से चेक करते हैं। मसाला लगभग पक चुका है। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। ये मैंने मटर जो उबाला था उसका पानी ले रखा है। मैंने वॉश करके मटर को डाला था कुकर में, तो उसका पानी है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि न्यूट्रिएंट्स बाहर नहीं निकले। अब इच्छा अनुसार पानी ऐड कर सकते हैं। तो मिक्स कर देंगे। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पे 5 सीटी और लो फ्लेम पे 3 सीटी का वेट करेंगे। मैंने हाई फ्लेम लिया है तो मैं 5 सीटी लगाऊंगी। अगर लो फ्लेम लेना है तो 3 सीटी लगाना है फ्रेंड्स, तब जाके हमारे छोले रेडी हो जाएंगे। आप इसको लंच के साथ भी खा सकते हो और टोमेटो ऑनियन नींबू से गार्निश करके चाट जैसा भी बना सकते हो। फाइव सिटी कंप्लीट हो जाने के बाद गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे, इंडक्शन ऑफ कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि 5 सीटी कंप्लीट हो गए हैं और कुकर का प्रेशर ख़त्म होने तक का वेट करेंगे। प्रेशर लगभग ख़त्म हो गया है, हम कुकर खोल लेंगे। हमारे छोले भी रेडी हो गए हैं। इसको हम खाली करेंगे। अभी ये हमारे छोले। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसको आप चाहो तो धनिया पत्ता से
गार्निश कर सकते हो, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं कर रही हूँ, हम ऐसे ही खाने वाले हैं। थैंक यू।